ये बड़ा मेरा प्यारा मुर्गा था। ये क्यारी बनी हुई है यहाँ पे, यहाँ सारे नीचे दरख्त हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहीं पर ही क्यारी में यहाँ पे इसको दफना देते हैं। काट भी दे तो मसला नहीं है, सिर्फ तकलीफ होगी काटने की। बड़ा प्यारा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब खैरियत से हैं। बीच में मैं ब्लॉग्स नहीं बना सका था क्योंकि मैं शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और फिर ऑब्वियसली काम वगैरह भी चल रहा था सब। बहरहाल खैर, अभी कुछ चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं, थोड़ी बहुत होनी शुरू हुई हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो बहुत ही बुरा स्टार्ट हुआ है। दो तीन दिन से चल ही रहा था इस तरह। आपको पता ही है, आप लोग ब्लॉग्स अगर देखते हैं कि मेरे पास नहीं जमल बेटा, मेरे पास जो जी हैं मेरे, हमारे पेट्स, उसमें से जो है वो मर गया है और बीमार हो गया था। सो कोई इन्फेक्शन चल रहा था उसका, हम इलाज भी करवा रहे थे, उसको दवाइयाँ वगैरह दे रहे थे। बस एक दो दिन से उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था और आज सुबह बस 6 बजे मैं उठा हूँ, मैंने देखा है तो जो है वो चला गया था। यानी मैं निकाल रहा हूँ उमर। अच्छा, एक सेकेंड उमर, आप फिर देखो आराम से, निकल जाएगा आपसे आराम से। उमर आराम से बेटा, इस तरह नहीं करो उमर। ये बड़ा मेरा प्यारा मुर्गा था, ये फाइटर था मेरा, ये जोजी को बहुत मारता था जब जोजी छोटा था। बस ये जिस तरह इस वक्त आप इसको देख रहे हैं इसी हालत में ही था, यानी इसी तरह ही था कल भी। बस सो जाता था इस तरह करके ना, आंखें बंद करके, ये बिल्कुल इसी तरह लेटा रहता था और ये सोते में जो है बस ये चला गया ये। खैर बाकी ये हमने अपना केज यहाँ पे ला के रख दिया था, जोजी और बेबो नीचे ही है, जो बेबी है उसका केज हमने यहाँ रखा है। ये जो बीमार चली थी ये अभी थोड़ी बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी हम इसको अलग ही रख रहे हैं। बस अभी करना ये है कि खामोशी से क्या, हम ये नहीं चाह रहे कि दूसरे जोजी के सामने जो है हम इसको उस तरह लेके जाएं, ज़रा ख्याल से बस इसको यहाँ से निकालते हैं ताकि जोजी ना देखे। जिस तरह पार्टनर को हमने एक तरीके से दफना ही दिया था, उसी तरह इसको भी हम बाहर हमारे यहाँ जगह वहाँ पे इसको बस दफना के आ जाते हैं। उमर का वेट कर रहे थे कि उमर सो के उठेगा तो फिर हम ये काम करेंगे, वरना ये उठता तो फिर और ज़्यादा अपसेट हो जाता इसको ना देख कर। बस जल्दी से यहाँ से निकल रहे हैं और ये काम से फ्री होता है। ये क्यारी बनी हुई है यहाँ पे, यहाँ सारे नीचे दरख्त हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहीं पर ही क्यारी में यहाँ पे इसको दफना देते हैं। ये अच्छी जगह, घर से बिल्कुल भारी है ये भाई। खोद दिया हमने क्या, बस मैंने खोद दिया उसको। मैं देख, मैं सही है, भाई इसको दफना दिया, बस अभी मिट्टी वगैरह डाल दी। ये प्रोजेक्ट के सामने दरख्त है ये वाला, और बिल्कुल उसके सामने ही नीचे जो है वो मैंने इसको दफना दिया। ये वो वाला दरख्त है भाई के जिसके नीचे हमने अभी जोजो को दफना दिया है। अभी दोबारा से छत पर आए हैं और छत पर आके जोजी को और जो बेबो है उसको खोला है अभी हमने। हमने कहा कि भाई एक नई जगह है, बड़ी जगह है, खुली जगह है पूरी, ये देखें अच्छी खासी बड़ी छत है ये, यहाँ पे इनको हमने खोला है ताकि ये आराम से यहाँ पे फिरें। थोड़ा देख रहा हूँ कि ये अपने पिंजरों को छोड़ नहीं रहे हैं, ये इसी के आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना तो समझ लिया है, जाहिर सी बात है कि ये इनका घर है तो भी ये बाकी छत पे नहीं जा रहे हैं। बेबी जो है इसको अभी हमने खोला नहीं है, जाहिर सी बात है इसको थोड़ा अलग करके रखा है इसकी बीमारी की वजह से। एक चीज़ बड़ी फील हो रही है अभी, फरा भी यहाँ पे थी कि जब हम पिंजरा देख रहे हैं या हम जोजी को देख रहे हैं तो हमें जो जाहिर सी बातें याद आ रहा है। जोजी को देख कर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हम यूज टू नहीं है इसको अकेला देखने के। जोजो जोजी की एक जोड़ी थी और जोजो हमेशा जोजी के साथ ही रहता था। असल में अफसोस इसलिए ज़्यादा होता है कि एक तो भाई हमें जानवरों से मोहब्बत है, परिंदों से मोहब्बत है, और जब अपने खुद पालो तो
जाहिर सी बात है और अफसोस होता है कि अगर उनको कुछ हो जाता है। बड़े प्यारे बच्चे थे, ये बच्चों की तरह ही पाला, और फरा ने बहुत ज्यादा फील किया क्योंकि फरा बहुत ज्यादा इनका ख्याल रखती थी। बड़ी जल्दी खैर वो चला गया, लेकिन बहरहाल अब ख्याल हमें करना है जोजी का और बाकी जो बच्चे इनका, अल्लाह करे ये जल्दी से ठीक हो ताकि फिर इसको भी हम इनके साथ ही रखना शुरू कर दें। जहाज तो ऐसे यहाँ से निकलते रहते हैं कि कोई बात ही नहीं है ना, मतलब वो जा रहा है क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को कि यहाँ पे एयरपोर्ट है इस साइड पर और रनवे भी इसी तरफ बना हुआ है, तो यहीं से सारे जहाज निकल के उड़ते हैं। ये देखें, अभी मैंने एक जहाज आपको दिखाया था, ये एक और आ गया, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। जी भाई, बीच का दिन थोड़ा सा स्पेंड करने के बाद, मसरूफियात से निकलने के बाद, अब हम जा रहे हैं सारे तैयार होकर एक पेट शो में। उमर साहब को हम पेट शो में लेके जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरह के एनिमल्स वगैरह हैं जिनके साथ उमर जो है वो थोड़ा बहुत खेल सकता है भाई, और हम तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। शायद भाई स्नेक भी होगा, पता नहीं कौन कौन से एनिमल्स होंगे, बस हो सकता है, हो सकता है भाई डॉग कैट टर्टल्स वगैरह भी हों। बस तकरीबन पहुंच गए हैं, पहुंच के आपको वहां के मनाजर दिखाते हैं और कुछ खेलते कूदते हैं जानवरों के साथ। इस तरह नहीं करो, वाओ चिक आ गया। उमर अंदर चले, अंदर अंदर चले, वो पिजन हैंग करेंगे उमर जिस तरह उन्होंने किया हुआ है, काटेगा तो नहीं ना, नहीं काटता। और ये कौन सा स्नेक है? इंडियन रॉक टाइप। इंडियन रॉक टाइप। अच्छा वाह भाई, काट भी दे तो मसला नहीं है, सिर्फ तकलीफ होगी काटने की। अच्छा। वो तड़ना नहीं चाह रहा, वाह उमर मैं जोर से नहीं पकड़ना, ओके जिस तरह वो बता रहे हैं ना उस तरह करना। उमर इधर देखें, वाह भाई बस उमर मैं कहो ये रहा, वाह देखें सामने, मुझे देखें मुझे, वाह उमर हिलना नहीं हिलना नहीं हिलना नहीं, ये बात करते हैं बात करते हैं। मिट्टू बोलो, मिट्टू वाओ, एक ऐसी जिस तरह वो बैठी है ना इस तरह बैठो, उसको हाथ लगाओ गोद में, मतलब वो खाना खा रहा है ना उसको हाथ लगाओ ऐसी, क्या हुआ? चलो मैं लगा देता हूँ, बहुत प्यारा है भाई। एक और बड़े साइज का लिया है, वाओ बड़ा प्यारा है भाई। Wow, very nice. लेना हाथ में, बैठ के बहुत प्यार से लेना। यहाँ पे आप बैठो उमर, देखो जिस तरह वो बताएंगे उस तरह, ओके? अरे वाह, ये इसकी एज क्या होगी? अच्छा ओके नो प्रॉब्लम। उमर हैमस्टर हैमस्टर, अरे ये ले लें हम, नहीं मैं वैसे ही ले एज अ पेट। उमर ये लो, इनकी केयर बहुत करनी पड़ती होगी मेरे ख्याल से, ये तो बहुत छोटा है अभी। ओ अच्छा 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 है ये, वो भाई नाइस, हाथ लगा लूँ उसको, बहुत प्यार, और मेरे हाथ पर आओ। हेलो, नाम क्या है इसका? नाम नाम है कोई? कोई नाम नहीं है, ऐसी बस चल रहा है मिस्टर एनोनिमस, चलो जाओ जाओ, चलो तुम भी पार्टनर हो। हाँ तुम्हें पार्टनर याद आया इसको देख कर, रोना आ रहा है आज, रो लिया ये, इसका एक पेट मर गया आज। कौन सा था? उमर आराम से आराम, ये माशाल्लाह कितना प्यारा है भाई।
अच्छा ऐसे नहीं आता, पैरेट की तरह नहीं आता ये। ये इसका हेयर स्टाइल बनाया हुआ है या ऐसी होता है? स्पाइस बने हुए ऐसा लग रहा है, बनाया हुआ किसी ने इसका हेयर स्टाइल। बड़ा स्टाइलिश है भाई, वेरी नाइस, बहुत प्यारा है। उमर हम भी पिजन ले लें। जिमल मैडम तो सो रही हैं, ये उठी भी होती तो अच्छा होता, एंजॉय करती है। इस तरफ नेल आर्ट भी हो रहा है, तो फरा भी गई थी कि भाई इसका नेल आर्ट करवाते हैं, लेकिन ये सो रही उठ नहीं रही है। मीन वाइल मैं और फरा जो हैं उस वक्त हम एक जूस की ब्रेक ले रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। हम दोनों ने कुछ सुबह से नहीं खाया हुआ, ये जो जोजो वाला एपिसोड आज हुआ है इस पर ऐसा तो बिल्कुल भी सर हमारा दिल नहीं किया कुछ खाने का। लेकिन उमर साहब की अपनी एक इन्जॉयमेंट है, तो हमने कहा कि उमर को यहाँ पर ले आते हैं ताकि थोड़ा बहुत अपना इन्जॉय कर ले। और आज थोड़ा सा अपसेट भी हो गया था ये ऑब्वियसली जोजो की वजह से, तो इस वजह से भी हमने कहा कि इसको और ले आते हैं ताकि थोड़ा दिल फैल जाए इसका। हाँ भाई उमर, सबसे अच्छा कौन सा पेट लगा आपको यहाँ पर? स्नेक। सबसे ज़्यादा उमर को स्नेक पसंद आया यहाँ पर, वैसे मुझे भी पर्सनली ज़रा स्नेक वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगा। बस अभी अभी भाई निकल गए हैं, टाइम ओवर हो गया था पेट शो का, लेकिन खैर अच्छा एक मज़ा आया। बहरहाल इस व्लॉग को मैं यहाँ पे आज ख़त्म करता हूँ। दिन ज़रा अजीब सा स्टार्ट हुआ था, बट कोशिश की कि एक अच्छे नोट पे हम डे को क्लोज करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओवर एंड आउट।